और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगी। अब ये तय माना जा रहा है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी के कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद की ये ऐलान जल्द ही कर सकते हैं। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, अपडेट दीजिए। देखिए, कुल मिला जुलाकर कांग्रेस की जो तैयारी थी काफी पहले से, एक तरह का जो होमवर्क था वो फाइनल के सेफ ले रहा है। और आज माना जा रहा है कि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गुलाम नबी आजाद, उसमें शीला दीक्षित नाम बतौर सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया जाएगा। इसके पीछे जो लॉजिक है, क्योंकि कांग्रेस का फोकस है ब्राह्मीण वोट के साथ साथ शीला दीक्षित का एक ऐसा फेस है जो मेच्योर फेस माना जाता है, महिला फेस है, और यूपी में खासतौर से उनके परिवार की एक विरासत रही है, कन्नौज सांसद रही है, इसके गृह मंत्री रहे शीला को कर मेच्योर फेस कर। क्योंकि आप देखें तो दूसरी पार्टियों में जो नाम है, बड़े नाम है, चाहे अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह यादव तरफ उनके तरफ से चुनाव मैदान में होंगे, दूसरी तरफ मायावती हैं, तो स्थिति में एक मजबूत देने की तैयारी थी। और वैसे में शीला दीक्षित का नाम सबसे प्रबल दावेदार के तौर पे था, तो माना यह जा रहा है कि शीला दीक्षित के नाम का अनाउंसमेंट आज कर पार्टी कम से कम एक लीड लेना चाहती है कैंपेन में और जल्दी आना चाहती है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो शीला दीक्षित जो है वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, इसका ऐलान भी जल्द किया जा सकता है। शीला जी एक लोकप्रिय नेता हैं, प्रदेश में हर व्यक्ति उनको जानता है, और खास तौर से उनका सौम्य व्यवहार और उनकी सफलता है मुख्यमंत्री के रूप में जग परिचित है। तो मैं ये समझती हूँ कि यदि हाईकमांड उनको यूपी के चुनाव में एंगेज करना चाहता है किसी कैपेसिटी में, तो यूपी के चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो उनकी योग्यता को देखते हुए मैं समझती हूँ कि यूपी का कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम है। ये आउटसाइडर तो किसी हालत में नहीं है, वहां से सांसद रह चुकी हैं, वहां की बहू हैं, और उमाशंकर दीक्षित जी की बहू हैं, जिन्होंने की उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई। उन्नाव में उनका ससुराल है, और साथ ही वो जब यहाँ मुख्यमंत्री थी या केंद्र में मंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें उनका भ्रमण ना हुआ हो, ऐसे कौन से नेता है कार्यकर्ता है जो उनसे मिले ना हो। तो अटकलें लगाई जा रही थी कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित होंगी, अब ये तय माना जा रहा है। इसकी जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।